मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल संबोधन कर रहा है, सीधा जाइए त्या। ऐसा पानी बात हो तो अपने एम लगे कि आटला वर्षो पछी पण आ नहनी बात आटली बधी। घरे घरे पानी माटेनुं अभियान पण अत्यारे चालू छे। केटला वर्षो थया आजादी छता पण जल से नलनी योजना अंतर्गत अत्यारे दरेकना घरे पानी आपवानी योजना छे। गुजरात सरकार पण मने नरेन्द्र भाईनुं विजन आत्मनिर्भर भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत एम गुजरात पण कदम थी कदम मिलावी अने गुजरात आत्मनिर्भर थई अने भारत आत्मनिर्भर में पूरेपूरो साथ आपवा तैयार छे। अने एमां अमारी नवी टीम पण एटली ज तत्पर छे। कोई पण माणस सरकार सुधी ना आवे एनी तकलीफ अमारा सुधी पहोंचे तो एनु जे काम छे ये बीजो धक्को ना खावो पड़े ने थाय एवा अमारा प्रयत्न हशे। अने जो एनु काम ना थाय एवुं होय तो अमारी तो एक बात छे का तमे अमने समजाई दो का अमे तमने समजाई दीए एटले वात पूरी थाय। अमा नीति नियमो क्या लावानी वात छे? तमे अमने ज ना समजाई हे के तमारुं काम तो अमे तमारुं काम केवी रीते करीए शकीए? अमे तमने समजाई दीए के आ काम नथी थाय एवुं तो पछी तमारे कंई कहेवानुं रहेतुं नथी। पण कलेक्टर श्री पण अहीं आगळी शरूआत थी केटला वखत थी छो अहीं? 3 महीना थी छो? ओ पण सरकारना अधिकारी पण अत्यारे दरेक ने कीधुं छे के भाई दरेक जन ने नीति नियमो खबर ना होय पण क्यांक फसायो होय तो एने नीति नियम बताई बताईने हैरान करवो अने पछी 2 वर्षे रस्तो काढवो एवं तो ना थाय ने? जो ना थाय एवं हो तो पहलेदार ना थाय 2 वर्ष पछी कई रीते थई जाय? अने क्यांक नीति नियम में वाँचवानी के शब्दनी मारामारी होय तो मैं एवं ए कीधुं छे के आ शब्दोनी मारामारी ज्यां ज्यां पड़ती हो शब्दों लावो आपणे शब्दों सुधारी नाखीए। तो ये शब्द बताई बताई ने आपने बीवड़ाई बीवड़ा करे के आ जो आ लख्यू छे ने यार नहीं थाय। आपणे शब्द सुधारी नाखीए के भाई तमारे केवो शब्द जोईए छे एवो शब्द मूकी आपीए पण लोकोने हैरानगति ना थाय एना माटेना अमारा प्रयत्नो छे। खूब लांबा समय थी बैठा छो एटले लांबी बीजी बात तो ज्यारे मळता रहीशुं तार करता रहीशुं। अहींयाथी कीधुं के नवा नवा आयामो छे। आजे यात्रिक भवनुं लोकार्पण थयुं छे नवा नवा आयामो पण अहींया नवा बनवाना छे। पण सरकार अमारा तरफथी एटलुं 100% कहीश के सरकारने ज्यां ज्यां उभा रहेवानुं हशे। मैं 2010માં હું જ્યારે સ્ટેન્ડિંગ હતો અમારા મિત્ર અહીંયા ઊભા બેઠા જતીનભાઈ એ વખતે એ મારી સાથે ત્યાં સ્ટેન્ડિંગમાં હતા। અમે બજેટ બેઠકમાં કીધેલું કે જ્યાં સુધી નરેન્દ્રભાઈ હશે ત્યાં સુધી વિકાસના કોઈ કામમાં પૈસા નહીં ખૂટે। અને આજે કોરોના જેવી મહામારીમાં તમે જુઓ તો એકે વિકાસનું કામ અટક્યું નથી। એટલે ખૂબ દીર્ઘદ્રષ્ટા છે અને એમની જે કેડી કંડારી છે એ કેડી ઉપર અમે પણ આગળ વધીએ એ આ તીર્થધામમાં સૌ સંતોના આશીર્વાદ અમે માગીએ છીએ કે અમને આશીર્વાદ આપો ખૂબ સારા કામ અમારાથી થાય અને લોકોને છેવાડાના માનવી સુધી અમે સરકારની દરેક યોજના પહોંચાડી શકીએ એ જ અભ્યર્થના। ભારત માતા કી જય વંદે માતા।